राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उल्लू से जुड़े हुए सगुन और अपसगुन की जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उल्लू उल्लू को सब जानते हैं, इसको माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। जो लोग हमारी जो भारतीय धर्म में देखते हैं, आप भारतीय सभ्यता में भी बहुत से लोग उल्लू की जो तुलना मूर्ख से करते हैं, लेकिन ये गलत है। उल्लू के ऊपर काफ़ी सारी कहावतें भी बनी हुई हैं। अगर आप लोग उल्लू का अपमान करते हो तो ये माता लक्ष्मी का अपमान होता है, इसलिए हमें उल्लू का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उल्लू को अगर रात में देखा जाए तो ये धन का नुकसान होने वाला माना जाता है, लेकिन इसको ही प्रातः उल्लू की आवाज़ सुने या देखें तो ये बहुत मंगलकारी माना जाता है। यदि किसी के आंगन में उल्लू मरा हुआ मिले तो यह उस घर में पारिवारिक कलह का कारण बनता है। यदि किसी विशेष स्थान पर उल्लू नियमित रूप से आने लगे, जैसे किसी के घर पर डेली उल्लू आने लगे या किसी की छत पर डेली आने लगे, तो उसे भयानक और दुखदायी घटना का सूचक समझना चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि प्रातःकाल पूर्व दिशा में वृक्ष पर बैठे उल्लू को देखने या उसकी आवाज़ सुनने से धन की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा में बैठे उल्लू की आवाज़ सुनने से व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी होने का खतरा होता है। प्रातःकाल दक्षिण दिशा में बैठे उल्लू को देखने से या उसकी आवाज़ सुनने से उस व्यक्ति के शत्रुओं का नाश होता है। सुबह के समय पश्चिम दिशा में बैठे उल्लू की आवाज़ सुनने वाला व्यक्ति को धन में भारी घाटा होता है। यदि उल्लू रात्रि के समय किसी की मकान की छत पर बैठकर बोलता है, या तो घर के किसी सदस्य की मृत्यु होने वाली है या किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार मिलने वाला है। यदि रात्रि के समय उल्लू चारपाई पर आकर बैठ जाए तो परिवार में शीघ्र ही किसी की शादी होने वाली है। अगर यही उल्लू किसी गर्भवती महिला को छूकर निकल जाए तो कहते हैं कि उसको या तो जुड़वा बच्चे होंगे या उसको लड़की पैदा होगी। किसी रोगी के ऊपर से उल्लू निकल जाए या उसको छूकर निकल जाए तो उस रोगी का रोग बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। उल्लू उल्लू को माना जाता है कि अगर किसी मेहमान के पीछे उल्लू दिखाई दे तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर रात में किसी की चारपाई पे आकर उल्लू बैठ जाए तो उसे बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस घर में कोई विवाह शादी या कोई मंगल कार्य होने वाला है। दोस्तों, जब रावण श्री राम से युद्ध करने के लिए गया था तो उसने भी उल्लुओं की आवाज़ सुनी थी, जो उसके विनाश का कारण बनी। और महाभारत में जब पांडवों ने श्री कृष्ण भगवान को कौरवों के पास संधि के लिए भेजा तब भी उल्लू बोले थे, जो कौरवों के विनाश का कारण बना। शिशुपाल, जब शिशुपाल का वध हुआ था तब भी उल्लू बोले थे तो उसका मौत का कारण बना। दोस्तों, उल्लू से नजरें मिलाना बहुत शुभ माना जाता है और उससे धन की प्राप्ति होती है। उल्लू का अगर आपको बार बार उल्लू दिखाई दे रहा है तो समझो आप पर माता लक्ष्मी की अत्यंत कृपा हो रही है। धन्यवाद।